हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर की यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में हमें कौन सी बैंक के कार्ड पे यहाँ पर ऑफर देखने को मिलेगा, एज वेल एज रियलमी 9 प्रो स्मार्टफोन इंडिया में कब लॉन्च होगा, क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होगा, आज की डेट में इंडिया में 30,000 रुपए में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है, ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन आपने मुझसे कल कॉमेडी पोस्ट पे पूछे थे। तो गाइस, क्यूएनए के एपिसोड नंबर 193 में आप सभी का स्वागत है। ये आपके गर्म गर्म क्वेश्चन का गर्म गर्म रिप्लाई देने वाला बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3,000 लाइक्स का। आई होप क्या प्राप्त कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूछते हैं मोहम्मद मेराज, ये बोलते हैं मोटो H20 फ्यूजन प्राइस इन बिग बिलियन डे सेल। अभी तो 21,500 रुपए का है, बिग बिलियन डे सेल आने तक के 20,000 रुपए के अंदर आसानी से यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बैंक ऑफर है एंड मोटो का डिस्काउंट वगैरह भी मिलेगा, तो इजिली 19,000 रुपए के आसपास आपको मिल सकता है। साथ ही में पूछ रहे विच इज बेटर, सैमसंग M51 और मोटो H20 फ्यूजन। तो आज की डेट के हिसाब से ओवरऑल ऑलराउंडर स्मार्टफोन के हिसाब से अगर आप देखते हो 5G वगैरह मिला के, तो H20 फ्यूजन मेरे हिसाब से बेटर डील यहाँ पर होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं नवीन वर्मा, ये बोलते हैं व्हाई ब्रांड डूइंग रीमॉडलिंग लाइक फर्स्टली अ मॉडल लॉन्च विद 4G देन विद इन सम डेज लॉन्चिंग विद 5G। तो आपको बता दूं गाइस, ये सिर्फ बिजनेस है। जी हाँ, इतने सारे स्मार्टफोन एक दो चीजें चेंज करके लॉन्च करने का सेंस बनता है क्या? नहीं बनता है, लेकिन बिजनेस है, ब्रांड को पैसे कमाना है, एंड इसलिए आपको 4G 5G इतने सारे मॉडल्स एक एक चीज आप बोल सकते हो चेंज करके नया स्मार्टफोन लॉन्च करें, रीब्रांड करके सेम प्राइस पॉइंट पे सेम स्मार्टफोन वापस से लॉन्च करें, तो बेसिकली यहाँ पर ये बिजनेस है ब्रांड की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं विनोद सिंह, ये बोलते हैं पोको X3 GT आएगा या नहीं, कोई एक्सपेक्टेड डेट है ये लॉन्च की। तो देखो, पोको X3 GT के नाम से तो स्मार्टफोन इंडिया में नहीं आने वाला है, ये तो आप बोल सकते हो पोको इंडिया के हेड ने बता दिया था, लेकिन जो इसका ओरिजिनल वर्जन है रेडमी नोट 10 प्रो 5G के नाम से डेफिनेटली इंडिया में आपको देखने को मिल सकता है। सितंबर के मंथ में तो देखने को नहीं मिलेगा, मे बी आपको अक्टूबर अराउंड दिवाली के आसपास ये स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूछते हैं सबीर हुसैन, ये बोलते हैं भाई मी 11X और IQ7 कौन सा लेना ठीक रहेगा। IQ7 अमेजिंग डील, डेफिनेटली मी 11X से आप बोल सकते हो बेटर स्मार्टफोन है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है नरेन का, ये बोलते हैं लव योर ऑनेस्ट कंटेंट ब्रो, भाई थैंक्स फॉर लविंग माय ऑनेस्ट कंटेंट, एंड ये बोलते हैं प्लीज सजेस्ट बेस्ट फोन अंडर 10K अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस एंड कैमरा। तो मैं बोलूंगा आपको रेडमी 10 प्राइम स्मार्टफोन 3 सितंबर को लॉन्च होने वाला है, अराउंड 11,000 रुपए के आसपास का स्मार्टफोन रहेगा, कैमरा भी अच्छी रहेगी, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, एंड काफी तगड़ा ऑलराउंडर स्मार्टफोन आप कह सकते हो। तो मैं बोलूंगा उसका स्मार्टफोन का वेट कर लो। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं राउडी राठौड़, ये बोलते हैं सर फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में हमें कौन से बैंक कार्ड पे ऑफर मिलेगा, प्लीज आंसर। तो देखो, चार बैंक है, उसमें से ही आपको ऑफर देखने को मिलेगा, ICICI बैंक, SBI बैंक, एक्सिस बैंक या HDFC बैंक, इसमें से चारों में से कोई ना कोई बैंक पे यहां पर आपको ऑफर देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में। मोस्टली क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा, लेकिन बिग बिलियन डे सेल क्योंकि बड़ा सेल रहता है तो डेबिट कार्ड पे आने के भी चांसेस है, लेकिन क्रेडिट कार्ड पे शायद आपको 1,500 रुपए का ऑफ मिल जाए, डेबिट कार्ड पे 1,500 ऐसा कोई डिस्काउंट आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं सुरती अब्बास अली, ये बोलते हैं विच वॉज योर फर्स्ट स्मार्टफोन। तो मेरा फर्स्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन जो था वो कार्बन का A9 8,500 रुपए या 8,700 रुपए में मैंने परचेज करा था। मेरे लिए वो स्मार्टफोन लाइक आईफोन था वो टाइम पे, मतलब मेरे को काफी अच्छा लगता था, बहुत संभालता था मैं उस स्मार्टफोन को, अराउंड 2013-14 की बात है। एंड अगर हम बात करें वाई सैमसंग विच इज लार्जेस्ट, अच्छा प्रोड्यूसर ऑफ एमोलेड नॉट गिविंग फुल HD एमोलेड डिस्प्ले इन इट्स 5G फोन टू अबाउ 18, मतलब सैमसंग इतना बड़ा मैन्युफैक्चर है एमोलेड डिस्प्ले का, तो वो मतलब 5G के साथ में एमोलेड इंडिया में फुल HD के साथ में क्यों नहीं प्रोवाइड करा रहे। अगेन बोलना चाहूँगा बिजनेस है, क्योंकि ये देखोगे अगर आप प्रीमियम मिड रेंज कैटेगरी में सैमसंग बजट में भी आपको एमोलेड प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन सैमसंग को यहाँ पर थोड़ा मार्जिन है ना एज कम्पेयर टू चाइनीज प्लेयर से, थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर रखना पसंद है, इसलिए ये लोग पता नहीं क्या यहाँ पर कर रहे हैं एंड काफी ओवर प्राइस स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं। देना चाहते हैं तो डेफिनेटली सैमसंग कुछ भी कर सकता है, बट वो लोग जान मुझ के कॉस्ट कटिंग करते हैं एंड लोगों को जो है मतलब आगे पुश करते हैं कि ए सीरीज का फोन ले लो एंड 30-35,000 रुपए तक के लोगे तो फुल HD और हायर रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले प्रोवाइड कराएंगे। तो सैमसंग की स्ट्रेटेजी है मेरे समझ के बाहर, मेरे हिसाब से सैमसंग को मिड रेंज में फुल HD हायर रिफ्रेश रेट सारी चीजें यहाँ पर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं ईश्वर गोयल, ये बोलते हैं हेलो मैं रेडमी नोट 11 का वेट कर रहा हूँ कि ये दिवाली सेल में
सकता है क्या? तो दिवाली तक क्या आना आएगा या नहीं आएगा, अभी फिलहाल के लिए तो कंफर्म नहीं है। अगर आएगा भी तो अक्टूबर की एंड में या नवंबर की स्टार्ट, वही दिवाली के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। 50-50 अभी कंफर्म फिलहाल के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। साथ ही में पूछ रहे क्या ये फोन दिवाली, अच्छा ये तो पूछ चुके हैं, आगे पूछ रहे अगर नहीं तो 15K में इजी बजट, इसी बजट में इससे ज्यादा मतलब अप टू 18,000 रुपए में टाइट बजट में गेमिंग फोन चाहिए, तो भाई 18,000 रुपए के आसपास का बजट है, मैं बोलूंगा सेल का वेट करो। पोको X3 प्रो को परचेस कर लो, स्नैपड्रैगन 860 के साथ में आपको मिल जाता है, तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा लेगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे जयेश चौधरी, ये बोलते हैं हेलो भैया 20K तक के एक स्मार्टफोन लेना है, एक्सचेंज करके मोटो S20 फ्यूजन लेना सही होगा या नहीं? तो डेफिनेटली यार मोटो S20 20,000 के आसपास की रेंज में एक्सचेंज करके लो या डायरेक्टली ले लो, काफी तगड़ा स्मार्टफोन है, 13 5G बैंड का यहाँ पर आपको सपोर्ट भी देखने को मिलता है। दूसरा ये पूछ रहे रियलमी 9 प्रो कब तक के लॉन्च होगा एंड प्राइस मतलब क्या हो सकती है बेसिकली? तो ये रियलमी 9 प्रो स्मार्टफोन बताया जा रहा है, अगर आएगा तो 70-80% चांसेस है कि सितंबर के एंड तक के आपको देखने को मिल सकता है। एंड 9 प्रो की अगर हम बात करें, बेसिकली एक 5G स्मार्टफोन रहने वाला है, 20,000-22,000 रुपए तक के ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूछते हैं वंडरफुल, ये बोलते हैं हेलो यासिर भाई कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। मेरे माय क्वेश्चन इज बीबीडी सेल मतलब बिग बिलियन डे सेल और दिवाली सेल में पिछले साल जैसा धमाकेदार डिस्काउंट मिलेगा या नहीं बिकॉज ऑफ कोड के इश्यूज वगैरह के देखते हुए? तो टेंशन की बात नहीं है, धमाकेदार डील जैसे कि आपको पिछले साल 2019 वगैरह में मिला था, वैसे ये बार 2021 में भी आपको दिवाली के टाइम पे तो ऑफलाइन में भी मिलते हैं, ऑनलाइन में भी मिलते हैं। तो बीबीडी सेल एज वेल एज अमेज़न के सेल में धमाकेदार तगड़े यहां पर बैंक ऑफर भी मिलेंगे, डायरेक्ट ऑफर भी मिलेंगे। दूसरा ये पूछ रहे मी 11X अंडर 25K में दिवाली सेल में विद कार्ड डिस्काउंट, ऑफ कोर्स मिल जाएगा यार 26,000 रुपए में। तो अभी फिलहाल का जो मी फ्लैगशिप डे सेल चल रहा था ना, 28 का फोन हो गया था, 2,000 SBI पे क्रेडिट कार्ड पे ऑफ चल रहा था, 26 का तो मी 11X अभी मिल रहा था, तो दिवाली सेल में तो आराम से 25,000 रुपए तक के कार्ड वगैरह के साथ में मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ रहे बेस्ट 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन डिवाइस कौन से ब्रांड देता है? मेरे हिसाब से शाओमी देता है, क्योंकि शाओमी मिड रेंज में भी देता है, बजट में भी देता है, फ्लैगशिप में भी देता है, एंड काफी तगड़ा नेटवर्क आप बोल सकते हो शाओमी का कवरेज वगैरह यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूछते हैं शैलेश कुहाड़, ये बोलते हैं हाय यासिर भाई कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। इधर सितंबर मंथ में बहुत सारे स्मार्टफोन आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं। वैसे हमने दो दिन पहले अपकमिंग स्मार्टफोन की वीडियो करे थे, डेफिनेटली चैनल पर चेकआउट कर लेना। और ये पूछ रहे और बीबीडी सेल कब आएगा मतलब बिग बिलियन डे सेल? यार ये आपको अक्टूबर के मिड तक के देखने को मिलेगा, तगड़ा सेल यहाँ पर रहने वाला है। साथ ही में बोल रहे फ्लिपकार्ट में सेल अच्छी नहीं आ रही है, अमेजोन पर ऑफर अच्छे आते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा रिसेंटली एक दो सेल में हुआ, लेकिन मोस्टली मेरे हिसाब से तो अमेजोन से बेटर आपको फ्लिपकार्ट पे सेल देखने को मिलती है। एंड ये बोल रहे 15,000 रुपए में कौन सा फोन लू या सेल का वेट करो? मैं बोलूंगा सेल का वेट करो एंड अपकमिंग स्मार्टफोन का भी वेट करो, तगड़े स्मार्टफोन आपको 15-16,000 रुपए की रेंज में देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताओ इंडिया, ये बोलते हैं क्या हुआवे एंड सोनी के मोबाइल अच्छे नहीं होते या इंडिया में सेल नहीं करते? देखो हुआवे एंड सोनी के स्मार्टफोन क्वालिटी वाइज, सॉफ्टवेयर वाइज एंड सारी चीज अगर आप देखोगे काफी तगड़े स्मार्टफोन वो लोग बनाते हैं, लेकिन इंडिया में मार एक ही चीज से खाते हैं वो लोग, उसकी प्राइस पॉइंट। मतलब 20,000 रुपए का स्मार्टफोन 30-35 में लॉन्च करोगे तो भाई कौन परचेस करेगा? तो वो लोग प्राइस पॉइंट यहाँ पर बराबर से नहीं रखते, काफी एक्सपेंसिव प्राइस पॉइंट वगैरह रख रहे थे, इसलिए यहाँ पर इंडिया में सोनी और हुआवे आप बोल सकते हो यहाँ पर फ्लॉप हो गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे अभिनव वर्मा, ये बोलते हैं नॉट 2 और IQ7 में से कौन सा ले, मुझे लॉन्ग टर्म यूज के लिए चाहिए कैमरा ऑन गेमिंग मॉडरेट। तो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए एंड 5G देख के ले रहे हो तो मैं बोलूंगा नॉट 2 को परचेस करो। IQ7 नो डाउट 30,000 रुपीज में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस वाला डिवाइस है, कैमरा भी अच्छा है, सारी चीजें अच्छी मिल जाती है। जब 5G बैंड की बात करें तो 1-2 5G बैंड मिल जाता है, जबकि नॉट 2 में काफी ज्यादा 5G बैंड है, तो आगे चल के 5G आप इस्तेमाल कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से आपको नॉट 2 लेना चाहिए अगर आप फ्यूचर देख रहे हो, कैमरा एंड गेमिंग वगैरह सारी चीजें वहां पर आप कर लोगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहां पर अभिजीत दे, ये बोलते हैं क्या रेडमी के डिवाइस में सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद मोबाइल का साउंड कम हो जाता है क्या? प्लीज पिक माय क्वेश्चन, लव फ्रॉम झारखंड। इफ टू फ्रॉम मुंबई, ऐसा नहीं होता यार, कोई कोई डिवाइस में शायद आप में प्रॉब्लम आ गई रहेगी, ऐसा जनरली मैंने तो यहां पर नोटिस नहीं करा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहां पर अजीम उमर, ये बोलते हैं पूछना है कि अभी इंडिया में 5G आने में कितना टाइम लगेगा एंड मुझे न्यू फोन लेना है तो 4G लू 5G, 1-1.5 साल यार चलाना है? तो 1-1.5 साल अगर आपको स्मार्टफोन चलाना है तो अगर आपको 4G स्मार्टफोन विद बेटर स्पेसिफिकेशन अगर आपको मिल रहा है तो मैं बोलूंगा 4G फोन लो। इंडिया में
पूरा स्टेबल होने में 5G अभी भी मैं आपको कह सकता हूँ अराउंड 2 साल यहाँ पर बाकी है, 2 साल से पहले मेरा नहीं ख्याल, हाँ 1-1.5 साल में अगर ऐसा आ भी जाता है तो बहुत महंगा रहेगा, ये तो कोई कोई मेजर सिटीज में आपको देखने को मिलेगा, पूरे इंडिया में आने में स्टेबल होने में मिनिमम 2 साल का टाइम या उससे ज्यादा का भी टाइम यहाँ पर लग सकता है। तो अगर आप 1-1.5 साल अगर चलाने वाले हो, 5G मिल जाता है फीचर्स के साथ में तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 4G स्मार्टफोन भी ले लेते हो बेटर स्पेक्स के साथ में डेफिनेटली आप ले सकते हो। नेक्स्ट पूछते हैं यहाँ पर राहिया कटी की, ये बोलते हैं हेलो यासर भाई आप कैसे हो, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। बोले रीफर्बी स्मार्टफोन का मतलब क्या होता है, तो रीफर्बी स्मार्टफोन बेसिकली वो होता है, फॉर एन एग्जांपल मैंने कोई नया स्मार्टफोन परचेज करा उसमें मुझे यहाँ पर डिफेक्ट मिला या कुछ प्रॉब्लम मिली है तो वापस से मैं रिटर्न कर देता हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं वो चीज़ को वहाँ पर बनाते वापस से पैक करते एंड फिर वहाँ पर सेल के लिए डाल देते, तो वो स्मार्टफोन का आप बोलते हैं रीफर्बिश, बेसिकली रिपेयर करके वो स्मार्टफोन को बेचा जाता है। एंड ये पूछ रहे रियलमी 8i और 8s कब तक लॉन्च होंगे एंड क्या प्राइस होगी, तो सितंबर में ये दोनों स्मार्टफोन 110% इंडिया में देखने को मिलेंगे। 8s की अगर हम बात करें 17-18 हज़ार रुपए की रेंज में रहेगा, 8i की अगर हम बात करें तो अराउंड 14-15 हज़ार रुपए की रेंज में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूछते मनीषा, ये बोलता है आई वांट टू बाय अ मोबाइल फॉर माय हस्बैंड बर्थडे व्हिच इज ऑन 6 सितंबर, सो व्हिच वन टू बाय, गुड लुकिंग स्मार्टफोन चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, कैमरा एज वेल, प्लीज सजेस्ट मी 15,000 रेडमी नोट 10s कैसा रहेगा। डेफिनेटली कंसिडर करना चाहते हो कर सकते हो, ओवरऑल काफी सही स्मार्टफोन है, स्टोरेज अगर आपको ज्यादा अच्छी है 15,000 रुपए की रेंज में तो आप रियलमी 8 4G को भी कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नाजिया, ये बोलते हैं हेलो यासर भाई आप कैसे हो, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। बोले क्या स्मार्टफोन कंपनीज को सॉफ्टवेयर अपडेट में देने के लिए उन्हें पैसा खर्च करना पड़ता है क्या, प्लीज पिक माई क्वेश्चन, बेस्ट ऑनेस्ट ओपिनियन यूट्यूब, ओके थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट भाई। एंड यस डेफिनेटली पैसे तो लगेंगे क्योंकि आप कोई भी स्मार्टफोन लेते हो आगे चल के बग्स निकलते हैं, देन आप कंपनी को टैग वगैरह करते हो, उनको बग्स बताते हो, टेस्ट वगैरह करते रहते हैं, तो जो लोग टेस्ट कर रहे हैं इतना रिसर्च कर रहे हैं उनको यहाँ पर सैलरी देनी पड़ती है एंड बहुत सारी यहाँ पर सॉफ्टवेयर को लेकर उनको पेमेंट वगैरह करनी पड़ती है, तो डेफिनेटली पैसा लगता है जितने भी स्मार्टफोन, ऐसा नहीं कि बेच के वो लोग हट जाएंगे, बाकी के आगे भी रिसर्च करने में, अपडेट देने में, सिक्योरिटी पैच देने में उन्हें पैसा यहाँ पर लगता है क्योंकि बहुत बड़ी टीम उनकी यहाँ पर रहती है एंड रिसर्च वगैरह बहुत ज्यादा यहाँ पर उनको हर एक स्मार्टफोन के लिए यहाँ पर करना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हर्ष अग्रवाल, बोलते हैं स्मार्टफोन अंडर 15-17K माई प्रायोरिटीज इज लाइट वेट फोन, डिसेंट कैमरा विद गुड प्रोसेसर एंड डिस्प्ले, 4G और 5G दोनों में से कोई भी चलेगा प्लीज सजेस्ट मी। मैं बोलूंगा रेडमी नोट 10 प्रो 6128 18,000 रुपए में आपको देखने को मिलता है, सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है, लाइट वेट भी आपको मिल जाएगा, डिसेंट कैमराज भी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, डिस्प्ले तो अमेजिंग है, तो आप डेफिनेटली रेडमी नोट 10 प्रो के 6128 वाले वेरियंट के साथ में जा सकते हो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर सुभाजी दास, ये बोलते हैं भाई अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि आप खूब जल्दी पहले जैसे हो जाओ। डेफिनेटली आप लोग की दुआ की वजह से यहाँ पर अभी पहले से काफ़ी अच्छी तबीयत हो चुकी है एंड ये बोले मेरा 30K के प्राइस के मतलब अंदर ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए, 2-3 साल के लिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म यूज़ करना है, तो सजेस्ट मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन। तो 30,000 रुपीज़ का बजट है 3 साल वगैरह के लिए आपको इस्तेमाल कर रहे हैं एंड अगर आपको 5G मैटर करता है, मतलब आपको 5G चाहिए आगे चल के इस्तेमाल करोगे, दो या जब भी 5G आएगा मैं बोलूँगा नॉट 2 के साथ में चले जाओ, लेकिन आपको ऐसा है कि नहीं भाई 2 साल में 4G के साथ में रह सकता हूँ एंड तगड़ा स्मार्टफोन चाहिए तो डेफिनेटली आप IQ7 के साथ में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपकी जगह पर रहता तो मैं नॉट 2 के साथ में डेफिनेटली यहां पर जाता था। तो गाइस ये कुछ यहां पर धमाकेदार क्वेश्चन थे जो कि आपने मुझसे पूछे थे, आई होप सो कि मैंने बराबर से रिप्लाई दे दिया हो, कोई क्वेश्चन छूट गए, कोई क्वेश्चन रह गए, कोई क्वेश्चन अभी के भी अगर आपके माइंड में आए तो बेझिझक होकर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आई होप तुम सबको पसंद आई होगी एंड कैसे अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।